गहना तो दूर रहा, उसके पास एक अंगूठी भी नहीं है। शराब तो दूर रही, मैं तो गुटखा भी नहीं खाता हूँ। लड़की तो छोड़ो, तुम्हें कोई कुतिया भी नहीं देगा। आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलें। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेंटेंस हैं और इनका यूज़ हम अक्सर अपने डेली यूज़ में करते हैं। तो चलते हैं, सीखते हैं कि इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। तो इसके लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, इसके लिए दो स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम बोलेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ, इसका पहले यूज़ करना है। उसके बाद एक नाउन आएगा, नाउन यदि नहीं होगा तो वर्ब होगी, वर्ब अगर होती है तो उसमें आईएनजी लगाना है। उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। दूसरा स्ट्रक्चर यदि हम दूसरे स्ट्रक्चर से बनाएं तो इस प्रकार से बनेंगे। सबसे पहले यूज़ करेंगे लेट अलोन, उसके बाद प्लस नाउन या फिर वर्ब, वर्ब होगी तो उसमें आईएनजी लगेगा, और उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस। तो दोनों में से किसी का यूज़ करके ऐसे वाक्यों को बोला जा सकता है। तो चलते हैं एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसे एग्जांपल अपना है, गहना तो दूर रहा, उसके पास एक अंगूठी भी नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ ऑर्नामेंट, नॉट टू स्पीक ऑफ ऑर्नामेंट। उसके बाद यदि लिख रहे हैं तो कॉमा लगा देना है, यदि बोल रहे हैं तो कुछ नहीं। उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस, सी डजंट हैव इवन आर रिंग, भी के लिए हम इवन का यहाँ यूज़ किए हैं। अब चलते हैं दूसरे स्ट्रक्चर के द्वारा इसको बनाते हैं। तो इस प्रकार से बनेगा, सबसे पहले यूज़ करेंगे लेट अलोन, लेट अलोन ऑर्नामेंट्स, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस, सी डजंट हैव इवन आर रिंग। तो दोनों स्ट्रक्चर का आप जो है जिसका मन चाहे उसका यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होगा। अब चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे शराब तो दूर रही, मैं तो गुटखा भी नहीं खाता हूँ, तो इसे बोलेंगे लेट अलोन वाइन, या फिर दूसरे स्ट्रक्चर से भी आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लेट अलोन का यूज़ करते हैं, लेट अलोन वाइन, आई डोंट टेक इवन अ गुटखा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लड़की तो छोड़ो, तुम्हें कोई कुतिया भी नहीं देगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट अलोन अ गर्ल, Anybody will not give you even a beach. I hope आपको इस प्रकार के सेंटेंस बनाना आ गया होगा। यदि सेंटेंस बनाना आ गया है तो कमेंट में दो चार सेंटेंस ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।